प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। हेलो फ्रेंड्स, आज आपको बैक ब्लाउज डिज़ाइन बताने जा रहे हैं। तो देख लीजिए, मैंने ब्लाउज की लेंथ 13.5 इंच रखी है और 3 इंच की गले की चौड़ाई दे देते हैं। तो यहाँ से मार्क कर देंगे 3 इंच की चौड़ाई पे और नीचे के साइड भी 3 इंच की चौड़ाई पे हम मार्क कर लेते हैं। तो मैंने दोनों साइड से 3 इंच की देखिए चौड़ाई देते हुए मार्क कर दिया। गले का लेंथ मैं 10 इंच रख रही हूँ, इस पर मैंने मार्क कर दिया है। अब जितना मैंने मार्क किया है सबको मैं बराबर करके स्ट्रेट लाइन बना लेती हूँ एक। तो देखिए मैंने स्ट्रेट लाइन बना ली। अब 1 इंच का जो हम यहाँ से मार्क करेंगे, अब 1 इंच पे हम गोलाई कर देते हैं गले की। तो ये देखिए मैंने गले की गोलाई कर ली। अब 1 इंच पे जो हम एक और मार्क करेंगे, तो देख लीजिए जो 3 इंच पे मैंने मार्क किया था उसके जस्ट मैंने बगल से 1 इंच का मार्क लिया है मार्जिन। अब यहाँ से हम इसको पहले बराबर कर लेते हैं लाइन को। अब यहाँ से देखिए मैंने थोड़ा सा वी शेप में नीचे के साइड से दे दिया है। अब इसको मैं कट कर देती हूँ। ये देख लीजिए मैंने गले को कट कर दिया है। अब मैं जो राउंड में की हूँ उसको भी कट कर लेती हूँ। तो मैंने दोनों साइड से बिल्कुल अच्छे तरीके से कट कर दिया है। अब जो बीच का पार्ट था उसको एक साइड करेंगे। ये मैंने ब्लाउज का कपड़ा लिया, इसको बिल्कुल बराबर रख लीजिएगा और फिर गले को ऐसे ही कट करेंगे जैसे अस्तर को देखिए मैंने कट किया है। अब गला कट चुका है तो इसको मैं स्टिच कर लेती हूँ। तो अस्तर और कपड़े को बिल्कुल बराबर कर लीजिएगा और इसके बाद हम पहले गले को स्टिच कर लेते हैं। ये देख लीजिए मेरा गला स्टिच हो चुका है। बस एक साइड से और कर लेते हैं स्टिच। तो मैंने देखिए ये थोड़ा सा कम्प्लीटली मैंने स्टिच कर लिया है गले को। मैं दिखा देती हूँ आपको। अब गले पे हम जो कट्स लगा लेते हैं। तो मैंने पूरे गले में कट्स लगा दिया है। अब इसको हम उलट कर सीधा कर देंगे। देखिए मैंने गले को उलटकर सीधा कर लिया। अब इसको मैं स्टिच करूंगी। तो अच्छे तरीके से पहले हम गले को स्टिच कर लेते हैं एक बार। तो ये देखिए मैंने गले को स्टिच कर लिया है कम्प्लीटली। अब ब्लाउज की ऑल राउंड स्टिचिंग करेंगे। तो अस्तर और कपड़े को बिल्कुल बराबर कर लीजिएगा और पूरे ब्लाउज की हम स्टिचिंग कर लेते हैं। तो अगर आपको मेरी ये डिज़ाइन अच्छी लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। देखिए मैंने पूरा स्टिचिंग कर दी है कम्प्लीटली। अब देखिए मैं आपको आकर डिज़ाइन इसमें बना के दिखाऊंगी। तो बीच का गला जो मैंने अभी बनाया हुआ है इस बहुत ज़्यादा देखिए मैंने ब्रॉड और डीप बनाया है। इसको जो डिज़ाइन भरने के लिए मैंने ये न्यूज़पेपर लिया है और जो मैंने अस्तर बीच में से कट करके निकाला था उसको इसके ऊपर हम बिल्कुल बराबर में रख देंगे और न्यूज़पेपर को मैंने डबल फोल्ड किया है। तो पहले हम गले जहाँ से राउंड है इस साइड से सेम ऐसे ही कट करेंगे जैसा देखिए अस्तर का कट है। अब दूसरे साइड से हम जो देखिए हाफ इंच पर पहले एक मार्किंग करेंगे जितना हमें स्टिचिंग में डालना है और इसके बाद 1 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिएगा। 1 इंच नहीं तो पूरा 1 इंच पूरा लीजिएगा बराबर में जितना अस्तर है उससे। ये देखिए मैंने पूरा ले लिया है और मेरा न्यूज़पेपर जैसे मैंने कट किया था उस पर डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है। इसकी हम थोड़ी सी चौड़ी पट्टियाँ स्टिच करेंगे। ये देखिए मैंने पट्टी स्टिच कर ली है। इसको मैं कट कर लेती हूँ पट्टी को और इसे उलट कर हम सीधा करेंगे। तो पट्टी को मैंने देखिए स्टिच कर लिया। इसको उलट कर मैं सीधा कर लेती हूँ। तो अगर आपने इस चैनल पे पहली बार विजिट किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये देखिए पट्टी मैंने सीधी कर दी है। अब इसको हम स्टिच करेंगे दोनों साइड से। एक साइड से मैंने पट्टी स्टिच कर ली है, इसी तरीके से दूसरे साइड से भी मैंने कर लिया है। ये पट्टी मेरा देखिए कम्प्लीटली बन चुकी है। अब इसको मैं जो है इस पेपर पे जो मैंने न्यूज़पेपर लिया है बनाया हुआ इस पर हम डिज़ाइन करेंगे। तो पहले बराबर में आप जो है ले लीजिएगा साइज़। इस साइज़ में हम पूरा जो है कट करेंगे। इस तरीके से मैं बराबर फोल्ड करके पूरा कट कर लेती हूँ पट्टी को।
ये देख लीजिए मैंने इतना सारा कट कर लिया है। इसी तरीके से हम पूरा कट करेंगे। तो मैंने देखिए पूरा पट्टी कट कर दी है। अब चलिए मैं आपको इस पे स्टिच करके दिखाती हूँ। तो बिल्कुल बराबर करते हुए हम इस जो न्यूज़पेपर का मैंने गला कट किया है गले में से डिज़ाइन बनाने के लिए, इस पे पूरा हम स्टिच करेंगे पट्टी को। तो कैसे मैं स्टिच करूँगी आप वीडियो में देखते रहिए, सेम ऐसे ही आपको भी करना है। और अगर आपको मेरी डिज़ाइन अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करके आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। अगर आप लाइक शेयर कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं आपके लिए और भी हार्ड वर्क करके और अच्छे डिज़ाइंस लेके आती रहूँगी। और अगर आपने इस चैनल पहली बार विजिट किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, तभी मेरी कोई न्यू डिज़ाइन की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सकेगी। तो देखिए मैंने पूरा जो पट्टी को स्टिच कर दिया है। दूसरे साइड से भी हम सेम बिल्कुल उसी तरीके से बनाते हुए इस साइड से पूरा स्टिच कर लेते हैं पट्टी को। तो देखिए मेरा ये जो है डिज़ाइन पूरा मैंने पट्टी को स्टिच कम्प्लीटली कर दिया है और ये मेरा डिज़ाइन जो है कम्प्लीट है। अब गले पे हमें पाइपन करना है। तो पाइपन के लिए मैंने ये कपड़ा लिया, इसको मैं क्रॉस कटिंग करूँगी। तो क्रॉस कटिंग करते हुए हम कुछ पट्टियाँ कट कर देंगे। मैंने देखिए पट्टियाँ इसे कट कर दी है। इसको मैं ज्वाइंट कर लेती हूँ स्टिच करके। तो मैं कैसे ज्वाइंट कर रही हूँ वीडियो में आप देख लीजिए। इसी तरीके से मैं पूरा पट्टी ज्वाइंट कर दूँगी जैसे मैंने ये आपको करके दिखाया हुआ है। तो मैंने कम्प्लीटली पूरी पट्टियाँ देखिए ज्वाइंट कर ली एक दूसरे के साथ। अब यहाँ से बिल्कुल बराबर करते हैं, इसे हम डबल फोल्ड करके पूरा स्टिच कर लेते हैं। तो मैंने देखिए पूरा स्टिच कर लिया है कम्प्लीटली पट्टी को। अब मैं डबल फोल्ड करके अब इससे मैं पाइपन करूँगी गले पे। तो चलिए मैं आपको पाइपन करके दिखाती हूँ। ये मैंने डिज़ाइन वाला जो है देखिए ले लिया है डिज़ाइन। अब इसके पहले हम साइड से जिस साइड से राउंड है उसी साइड से हम पाइपन करेंगे। तो वीडियो में आप देखते रहिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा डिज़ाइन बता रही हूँ। आप पूरा वीडियो लास्ट तक वॉच कीजिएगा बिना स्किप किए। ये देख लीजिए ये इस साइड से पूरा स्टिच हो चुका है। इसको मैं जो है थोड़ा सा गोल करते हुए पूरा पाइपन बनाते हुए पूरा स्टिच कर देंगे। तो वीडियो में आप देखते रहिए, इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से गोल करके फिर पाइपन स्टिच कीजिएगा। तो ये देख लीजिए कम्प्लीटली पाइपन बन चुका है, थोड़ा सा बाकी है बस। तो मैंने देखिए पूरा जो है गले पे इसके पाइपन बना दिया है। अब मैं जो ब्लाउज का है उसके गले पे पाइपन बना के आपको दिखाती हूँ। तो मैं ब्लाउज़ ले लेती हूँ, इसको एक साइड कर देंगे। अब ब्लाउज़ के गले पे भी पूरा हम इसी तरीके से पाइपन कर देते हैं। बिल्कुल गोल करते हुए पतली पाइपन करेंगे जैसे मैंने अभी डिज़ाइन में किया हुआ है पाइपन। तो इसी तरीके से देखिए मैं कैसे कर रही हूँ इस पर। पहले हम कपड़े को बिल्कुल बराबर में जितना आपको जितना चौड़ी या पतली पाइपन करना उतना ही स्टिचिंग में लाइए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको उलटकर सीधा किया हुआ है। तो ये देख लीजिए मैंने इस पट्टी को स्टिच कर दिया है। इसको मैं गोल करते हुए पूरा पाइपन बना के स्टिच कर देती हूँ। तो देख लीजिए पाइपन बिल्कुल स्टिच होके कंप्लीट हो चुकी है। अब इस पे जो हम डिज़ाइन को जो मैंने अभी बनाया हुआ है उसके साथ इसको ज्वाइंट करेंगे। तो मैं डिज़ाइन ले लेती हूँ और इसके बीच में डालते हो पूरा हम इसको बिल्कुल बराबर कर देंगे डिज़ाइन के, फिर हम स्टिच कर देंगे। तो चलिए मैं आपको स्टिच करके दिखा देती हूँ डिज़ाइन को इसके साथ में। तो वीडियो में आपको देखते रहिए, बिल्कुल पहले बीच से बराबर कर लीजिएगा बिल्कुल बीचों बीच से, फिर इसको हम ज्वाइंट करेंगे। ये देख लीजिए मैंने पूरा डिज़ाइन को ज्वाइंट कर दिया इसके साथ में, डिज़ाइन स्टिच हो चुका है।
अब मैं लेस ले लेती हूँ और इसके गले के थोड़ा सा पाइपन से थोड़ा सा दूर करके फिर हम पूरा लेस को स्टिच कर देंगे इसके साथ में। ये देख लीजिए मैंने पूरा लेस स्टिच कर दिया है गले के साथ में। ये मेरा ब्लाउज डिज़ाइन देखिए कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है। अब जो मैंने नीचे के साइड में इसके न्यूज़पेपर यूज़ किया था उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से रिमूव कर दीजिएगा। ये देख लीजिए मैंने निकाल दिया, थोड़ा बहुत जो बचा हुआ ये वाश करने के साथ निकल जाएगा। मेरी डिज़ाइन बिल्कुल कम्प्लीट हो चुकी है। अगर आपको डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 फ्रेंड्स मेरे चैनल सॉरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आपने इस चैनल पहली बार विजिट किया है तो इस चैनल वीडियो सॉरी विजिट किया तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरी कोई न्यू डिज़ाइन की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और मेरी कोई डिज़ाइन ड्रेस या ब्लाउज को परचेज करने के लिए मैं इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए। मैं ऑनलाइन सेलिंग करती हूँ, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ जाके मेरे आईडी पे जा सकते हैं। थैंक्स वॉचिंग, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।